आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट सा बनने वाला खारी स्टार्टर। ट्रस्ट मी, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है ये। बहुत जल्दी भी बन जाता है एंड खुशी खुशी हर कोई खाएगा इसे। इसका हम आज पहले जैन वर्जन बनाएंगे। एंड वेलकम टू साइलीज किचन एट। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, तो आपको हमारी सारी रेसिपीज़ मिलते रहेंगे। हमें कुछ इतने ही इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स हमें घर पे मिल जाएंगे। आपको पनीर का कटिंग जो है वो खारी के साइज़ के हिसाब से करना है, ताकि खारी के ऊपर 2 से 3 पनीर तो भी एटलीस्ट बैठ जाने चाहिए। ये देखो, इतने पनीर मेरे आराम से बैठ रहे, ताकि खारी और फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो सके एंड दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम से परफेक्ट मिल जाए। सबसे पहले हम लेंगे ऑलिव ऑयल एंड बटर। इसमें हम डाल रहे हैं मिक्स्ड हर्ब्स। मिक्स्ड हर्ब्स को हम एक 5 सेकेंड्स के लिए सॉटे करके लेंगे एंड इसमें डालेंगे 1 स्पून मैदा। आप यहाँ पे व्हीट आटा भी ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे एंड इसमें हम डालेंगे मिल्क। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं आधा कप के आसपास दूध ऐड कर रही हूँ। इसे हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है एंड कहीं पे भी गुठलियाँ ना पड़े उसका ध्यान देना है। हमें ये सॉस को सेमी थिक रखना है, ताकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप बहुत थिक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून पेपरिका या फिर रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून चिली सॉस। जैन चिली सॉस आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप रेडी घर पे रख सकते हो। या फिर अगर इसका रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे स्वादानुसार नमक एंड ब्लैक पेपर पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड ये देखो, ये डिलीशियस सा सॉस हमारा रेडी है। इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारा चॉप किया हुआ पनीर। मैं यहाँ पे चेरी टमेटोज यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल टमेटोज चॉप करके ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज़। चीज़ को अच्छे से मेल्ट होने देना है एंड हीट को ऑफ कर देंगे, ये सॉस में अपने आप मेल्ट हो जाएगा। एंड इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश बेसिल। इसे बस हाथों से ही तैर करके ऐड कर रही हूँ। आप ड्राइड बेसिल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब मैं बस खारी के 2 लेयर्स को अलग करके ले रही हूँ एंड इसमें स्टफिंग कर दूँगी। आप चाहो तो एक पूरी खारी पे भी ये सेम स्टफिंग रख सकते हो। इसको जस्ट हम थोड़ा सा हल्का सा कैविटी बना देंगे, ताकि स्टफिंग इसमें हम डाल सकें। जितना हम इस पे अच्छे से रख सकते हैं उतना स्टफिंग भर भर के इस पे रख देना, ताकि उसका फ्लेवर एंड जो खारी का क्रंच है दोनों साथ में सुपर्ब टेस्ट करेगा। ये दोनों चीज़ें साथ में रखने के लिए आप सर्विंग के जस्ट 5 मिनट पहले ही इसे साथ में रखना, नहीं तो खारी सॉफ्ट हो जाएगा एंड ये जो करी है इसका सारा का सारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वाला टिप इम्पॉर्टेंट है, पक्का से याद रखना। इसे आपने सच में ट्राई करना चाहिए, बहुत झटपट बनने वाला स्टार्टर है ये। गेस्ट के लिए बेहद आसान स्टार्टर है। डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा। आई विल बी वेटिंग। आई एम जस्ट हैविंग अ बाइट, हियर द क्रंच। Thank you so much for staying connected with Sylee's Kitchenette. It really means a lot to us. Bye-bye.